इरफान अहमद खान, रीजनल म्यूनसिपल कमेटी खान साहब। क्या हुआ था सर, यहाँ पे हम डी साहब के गाइडलाइंस पे निकले थे, क्योंकि यहाँ पे डी साहब खुद भी उसने विजिट किया था यहाँ पे, जब वो यहाँ पे आए थे, जो इनका वो चौधरी वगैरह होता है, डी साहब ने उनको खुद भी बोला था यहाँ पे कि जाम यहाँ पे मत रखा करो, क्योंकि यहाँ से पेशेंट वगैरह चलते हैं, उनको सहूलत मिलनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड हम निकले थे आज सुबह, तो हम रोड क्लियर करवाते थे सुबह। तो इसी में एक हमारा मुलाजिम है, वो तो पहले मैंने उनको बोला कि आप इंटरफेयर ना कीजिए, क्योंकि आप हमारे मुलाजिम हो तो बेहतर रहेगा आप चुप्पी कीजिए। तो फिर हमने मतलब मैंने उसको बोला कि हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए, आप साइलेंट रहिए, कोई इंटरफेयर मत कीजिए, आप प्लीज़, आपके मेहरबानी होगी, मैंने रिक्वेस्ट की उससे। उसके बाद हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो सारे मुलाजिम मेरे साथ में थे, सच है सारे थे ना। तो वहाँ पे हम रोड क्लियर करवाते थे, वो आया, उसने पहले थप्पड़ मारा और उसके बाद लात मारी और उसके बाद बहन की गाली दी। और यहाँ से वो क्या मसला है उसके साथ, जब भी हम उसको बोलते थे ड्यूटी आने के लिए, क्योंकि आउटसाइड के मुलाजिम बहुत सारे हैं हमें, क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारा है, मैं उसको बताता था कि अगर आउटसाइड के मुलाजिम आते हैं उनको ड्यूटी ली जा रही है तो इससे भी ली जाएगी। तो फिर हम जैसे कोई गलती नहीं है, और भी हम शुक्रगुजार के एसडीएम साहब के, जो मतलब कभी उसने मतलब माशाल्लाह कभी गलत को सपोर्ट नहीं किया, ना ही वो करेगा, इतना विश्वास है उस पर कि ना ही उसने ये मतलब गलत किया है कभी, ना ही वो करेगा। उसने अभी हम सारे मुलाजिम उसके पास चले गए, उसने लिखा एसएचओ साहब को कि इसको एफआईआर लॉन्च करो, क्योंकि सारे मुलाजिम के साथ सामने इसने बदतमीजी की है और बहन की गाली दी और मार पिटाई हो गई है वहाँ पे। तो हम एसडीएम साहब के शुक्रगुजार हैं। अब हम एसएचओ साहब को, एसएसपी बड़गाम को, डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको एफआईआर विद इन नो टाइम लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब बदतमीजी हो गई आज हमारे साथ। मैंने पहले ही बोला कि हम रोड क्लियर करवाते थे, क्योंकि यहाँ से पेशेंट वगैरह होते हैं वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, तो उसी के रिलेटेड हम निकले थे ताकि रोड ऑन रहे, खुला रहे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे पेशेंट हो, कोई भी बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, किसी को ये नहीं होनी चाहिए। मेरी डिमांड, इसको एफआईआर लगना चाहिए विद इन नो टाइम। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।